तो इस टनल के बन जाने से काफ़ी टाइम बच गया है। मैंने सोचा था सुबह सुबह ट्रैफिक कम मिलेगा, बट यहाँ तो सुबह ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये जाता है वैष्णो देवी माता के लिए। बाइक पे लड़का गया, अभी ये यहाँ खड़ा हुआ था और कार वाला कोई ले गया, कार वाला ले गया मोबाइल छीन के। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज मेरी कश्मीर राइड का लास्ट डे है। चल रहा हूँ कश्मीर से वापस हमीरपुर हिमाचल अपने घर के लिए। तो ये जो मेरे 5 दिन थे यहाँ कश्मीर में अफजल भाई के साथ, अरफात के साथ और इनकी फैमिली के साथ, बहुत बढ़िया रहे। पूरा मतलब घर वाली फील आई, ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। अफजल भाई ने, इन सब ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ सपोर्ट किया, अच्छे से कश्मीर वैली को एक्सप्लोर करवाया, बहुत मज़ा आया। तो आज मेरी जो राइड रहेगी वो रहेगी यहाँ से एप्पल वैली से लेके हमीरपुर तक की, लगभग 410 से 420 किलोमीटर की। सुबह के 6 बजे हैं और मैं जस्ट निकलने के लिए रेडी हूँ। सामान मैंने माउंट कर दिया है बाइक पे और बस अब अलविदा लेते हैं। अफजल भाई, अरफात आओ, ये हैं अफजल भाई। अफजल भाई बहुत बहुत थैंक यू आपका, जो भी आपने किया मेरे लिए, और अब तो आप लोगों का इंतजार रहेगा। ये तो बनता था ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हां, थैंक यू अरफात, बहुत हेल्प करने के लिए, जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स अ लॉट। सलमान, ये है हमारा बेटा सलमान, ये नया, ये मेरे को देख के बोल रहा है कि मैंने भी यूट्यूबर बनना है। अच्छा सलमान, एक बार हेलो कर दो, एक बार हेलो कर दो वहाँ पे। और बियॉन्ड द कैमरा मेरे साथ अदनान है, ये है अदनान। तो सबके साथ बहुत अच्छा सेटअप रहा, बहुत प्यार रहा, दिल तो कर नहीं रहा है जाने का। और अब मैं आपसे चलते चलते बात करता हूँ। चले ठीक है अदनान, आना है ना, ठीक है भाभी, ठीक है जी। तो निकल रहा हूँ गाइस, मैं दिल भर आया और अरफात, अदनान और अफजल भाई सब मुझे काजीगुंड तक छोड़ने जा रहे हैं। सुबह मैंने चेन लूप वगैरह सारा कर लिया था, सुबह 4:30 बजे मैं उठा, तो यहाँ रमज़ान चल रहा था, ये लोग भी सुबह 4 बजे उठ गए थे। बस हम लोग तब से गप्पे मार रहे थे, रात को भी सोते सोते हमें रात के 12 बज गए थे। अभी सुबह सुबह काफ़ी ठंड है, इसलिए मैंने वार्मर वगैरह अंदर पहन लिए हैं। तो आगे जहाँ भी गर्मी लगेगी वहाँ मैं निकाल लूँगा। तो ये आगे हम लोग मेन रोड पे एप्पल वैली से, जो कि अनंतनाग में है, ब्रिज बिहारा के पास, वहाँ है अफजल भाई का घर। तो यहाँ पहुँच गए हम लोग, 19 किलोमीटर है ये हाईवे इनके घर से। तो देखिए ये मुझे छोड़ने के लिए कहाँ आए, इतनी दूर सी ऑफ करने आए। तो बहुत अच्छा लगता है, इतना प्यार मिलता है। ठीक है अदनान, ओके थैंक यू, ठीक है अरफात, आना है ना, जून में कि जुलाई में, जून या जुलाई। हाँ ठीक है अफजल भाई, हाँ दो मोड़ पड़ते हैं। चलो ठीक है अरफात, फिर मिलेंगे है ना, और आ जाना, ठीक है, ओके जी, बाय। काजीकुंड अब मेरे ख्याल आई थिंक 6 से 7 किलोमीटर रह गया है। तो काजीकुंड से बनिहाल टनल निकलती है जो सीधी बनिहाल जाती है, तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है, 2 घंटे बच जाते हैं इस टनल की वजह से। ये पहुंच गए हम लोग काजीकुंड, काजीकुंड टोल प्लाजा। ये टनल आ गई, बिल्कुल टोल प्लाजा से आगे टनल है। पेट्रोलियम केमिकल टैंकर्स आर नॉट अलाउड, तो इस टनल में जो है वो टैंकर्स पेट्रोलियम के अलाउड नहीं है। तो किलोमीटर हुए हैं 4040, तो आप देखते हैं एग्जैक्ट कि कितना किलोमीटर की ये टनल है। और बिल्कुल यहाँ पॉइंट पे 4040 किलोमीटर आए हैं रीडिंग। तो आते ही बार तो मैंने रीडिंग एग्जैक्ट नोट नहीं की थी, बट अब मैं रीडिंग एग्जैक्ट नोट करूँगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी टनल है। तो इस टनल के बन जाने से काफ़ी टाइम बच गया है, तकरीबन कम से कम 2 घंटे जो हैं वो बनिहाल तक के बच गए काजीकुंड से लेके। अदरवाइज़ पूरी चढ़ाई चढ़ के, पूरी उतराई उतर के और ट्रकों का जाम लगता था, तो उससे बच गए हैं। ठीक सुबह 7 बजे मैं इस टनल को क्रॉस कर रहा हूँ,
और सामने कोई ट्रैफिक नहीं है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। ना पीछे देखिए आप ट्रैफिक है, ना आगे कोई ट्रैफिक है। ये जो आप टर्बाइंस देख रहे हैं ना, इनका बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। तो हो सकता है आपको माइक के थ्रू ये आवाज़ आ रही हो, वीडियो में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा हो। तो दोस्तों टनल जो है ये देखिए 48 किलोमीटर आ रहे हैं, तो 8 किलोमीटर लंबी टनल है ये। और अब हम लोग पहुंच गए हैं बनिहाल। 8 मिनट लगे इस 60 किलोमीटर की टनल को क्रॉस करने में। पेट्रोल भी डलवाना है तो देखता हूँ अभी बनिहाल में डलवाता हूँ। अभी बनिहाल क्रॉस किया है मैंने और देखिए ट्रकों का ट्रैफिक। मुझे लगता है उस साइड से ट्रकों को अब एक साथ छोड़ा गया है। देखिए आप ट्रैफिक कितना है। मैंने सोचा था सुबह सुबह ट्रैफिक कम मिलेगा, बट यहाँ तो सुबह ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अभी ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा मैं 10 बजे के आसपास जम्मू या उसके आसपास कहीं पहुँच के, क्योंकि अभी मोशन बना हुआ है चलने का और गर्मी भी नहीं है, तो जल्दी से जल्दी मैं डिस्टेंस कवर करना चाहता हूँ ताकि गर्म मौसम में मैं जितना ज़्यादा आगे निकल सकूँ जम्मू से उतना अच्छा है मेरे लिए। फ्रेंड्स तो मैं देखिए 10:12 पे पहुंच गया हूँ कटरा के लिए, जहाँ से रोड टर्न करता है उधमपुर से आगे। तो यहाँ रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट के लिए आया हूँ। तो अभी पनीर परांठा ऑर्डर किया है और 6:15 चला था तो तकरीबन 10 मैं यहाँ पे पहुंच गया। 4.25 घंटे लगे मुझे 175 किलोमीटर कवर करने में। वेट कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट की परांठा आता, तो ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से व्यू, देखिए आप ये है। और यहाँ से ये सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये जाता है वैष्णो देवी माता के लिए। तो ये है कुछ इस टाइप से रेस्टोरेंट यहाँ पे, अभी जस्ट खाली है। तो मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ बाहर से कैसा है ये। अभी ब्रेकफास्ट में टाइम लगेगा। तो यहाँ हूँ मैं इस टाइम गाइस, ये देखिए ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है शेरे पंजाब रेस्टोरेंट, पनीर परांठा और साथ में कर्ड है और साथ में है अचार। ये है आई थिंक आमले का अचार है, तो बहुत बढ़िया है आमले का अचार, टेस्ट करते हैं। बढ़िया। तो इस रेस्टोरेंट का फर्स्ट कस्टमर गाइस मैं था और अभी आप देखिए कैमरे में अभी अभी गाड़ी आई, कितने सारे कस्टमर्स आ गए हैं। तो अभी यहाँ से मैं 11:15 निकल रहा हूँ। मैंने यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद चेंज भी कर लिया, अपने वार्मर वगैरह जो थे वो सब खोल के अब इसमें टैंक बैग में रख लिए हैं, क्योंकि अब हम काफ़ी डाउन में आ गए तो गर्मी होगी। तो 179 किलोमीटर्स यानी कि मैं 180 किलोमीटर कंटिन्यू चला। इस टाइम मैं रुका हूँ पठानकोट से, थोड़ा आगे निकल आया हूँ, 16 किलोमीटर आगे हूँ और हिमाचल बस यहाँ से जस्ट शुरू होने वाला है। हूँ मैं अभी पंजाब में ही, तो गर्मी बहुत थी इसलिए गन्ने का ठंडा ठंडा रस पी रहा हूँ। और दोस्तों इस टाइम यहाँ तक मेरे हो गए हैं 315 किलोमीटर और टाइम 1 बजने वाला है। मैं 6:15 चला था तो तकरीबन मुझे 7.25 घंटे हो गए हैं चलते चलते।
और ये मेरा जो है यहाँ श्रीनगर से लेके यहाँ तक का सेकंड ब्रेक है। गर्मी बहुत है तो आज की जर्नी जो है वो बढ़िया रही गाइस, अच्छी रही और ज़्यादातर जर्नी ही रही इसमें, क्योंकि कंटिन्यू मैं चला हूँ। सिर्फ एक ब्रेक बीच में लिया था, दूसरा ब्रेक मैंने यहाँ पठानकोट में लिया है। इससे 5 किलोमीटर जाके आगे हिमाचल हो जाएगा स्टार्ट। तो फिर देखते हैं रास्ते में लंच अगर कहीं दिल किया करने का तो मैं करूँगा, नहीं तो फिर मैं अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करूँगा। बाकी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। शोर आ रहा होगा आपको क्योंकि गन्ने की ये मशीन चली हुई है। तो ये देखिए मीटर, आप एक बजाए और 315 किलोमीटर हुए हैं और 5 घंटे 50 मिनट बाइक चली है, टोटल किलोमीटर 4716। अरे गाइस अभी सीन हो गया। अभी देखिए वो एक लड़का यहाँ पे, ये जो बाइक पे लड़का गया, अभी ये यहाँ खड़ा हुआ था और कार वाला कोई ले गया, कार वाला ले गया मोबाइल छीन के है। अरे गाइस अभी यहाँ सामने मेरा कैमरा ऑफ था, सामने सामने सीन हो गया पठानकोट में। देखो फोन लेके भाग गया बच्चा, फोन पे बात करता हुआ जा रहा था और छीन के भाग गए। अब बेचारा बाइक पे गया है गन्ने के रस वाला, उस कार वाले के पीछे कहाँ पकड़ में आएगा। अब भी सामने सामने आंखों के और हम कुछ भी नहीं कर पाए। एक्चुअली वो सड़क के उस साइड था। पठानकोट के बाद गाइस सीधा हिमाचल में जो एंट्री होती है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से होती है, और मुझे अभी हमीरपुर तक जाने के लिए सबसे जो लंबा डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ही पड़ता है। तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर जो है मुझे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा क्रॉस करना पड़ेगा, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब आगे आगे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी, तो अब मैं राइड पर ऐसा किया करूँगा कि अपनी रैनक्स की जैकेट रहने दिया करूँगा राइड पर, और अपने जो मेरे एल्बो गार्ड्स वगैरह हैं वो पहन के और टी शर्ट में ही निकला करूँगा। और सामने देखिए अब दावत रेस्टोरेंट आ गया है, तो अब यहाँ चल के लंच किया जाए। और यहाँ मैंने पहले भी कई बार लंच किया है, डिनर किया है, तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ लगा देता हूँ मैं अपनी बाइक। तो गाइस भूख बड़ी जोर के लगी थी, ब्रेकफास्ट किया था कटड़ा में कोई 10 o'clock किया था, और अब 2 बज गए तो भूख लगी है इसलिए रुक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। कंटिन्यूसली चला हूँ, सिर्फ 2 जगह रुका था, एक जगह पठानकोट रुका था और दूसरी जगह कटड़ा रुका था। तो गाइज यहाँ से आगे की जो मेरी जर्नी होगी वो तकरीबन रहेगी 2.5 से 3 घंटे की जर्नी है। जिन्होंने मेरा गुरेज वैली वाला वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, जाके इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखें, बहुत बढ़िया वीडियो है गुरेज वैली का। पिछले कल हम लोगों ने गुरेज वैली को एक्सप्लोर किया था और साथ में राजदान पास किया था हम लोगों ने। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस वीडियो में पहली बार जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इस तरह के कंटेंट और भी लेके आता रहूँगा आपके लिए अच्छे से। तो फ्रेंड्स आ गया है, लंच मंगा लिया है। तो ये कढ़ाई पनीर है, कर्ड भी डाल लेते हैं, तंदूरी रोटी, और ये क्या है, ये है अचार, अचार भी ले लेते हैं। किस चीज़ का है ये, आई थिंक नींबू का है शायद, खा के पता चलेगा। डाल लेते हैं अचार और साथ में अनियन है। तो निकल रहा हूँ फ्रेंड्स अब मैं यहाँ से, 2:40 हो रहे हैं, पेट पूजा होगी, चलते हैं अब। अब कुछ जान में जान आई, मुँह धोया क्योंकि आज मैं सुबह 3:30 उठ गया था, और रात को भी मैं और अफजल भाई जो हैं वो मेरे ख्याल 12:30 तक हम लोग गप्पे मारते रहे, फिर उनको 4 उठना था क्योंकि रोजे हैं, तो मेरी भी नींद खुल गई थी क्योंकि मुझे भी जाना था। तो बस 3:30 के बाद नींद नहीं आई, 3 घंटे हम लोगों ने नींद ली आज रात को। तो थोड़ा सा टायर्डनेस फील हो रही थी, तो मैंने अभी खाना खाने के बाद मुंह धोया अच्छे से, और मेरे हेलमेट पे भी डस्ट काफ़ी थी डिपॉजिट हुई हुई, वो साफ़ की, वाइज़र वाइज़र सारा साफ़ करके अब बिल्कुल साफ़ दिख रहा है रास्ता। तो अब जर्नी का कुछ मज़ा आएगा, अब थोड़ा थोड़ा ठंडा फील हो रहा है क्योंकि अब हम लोग धर्मशाला के नज़दीक आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ठंडक महसूस हो रही है। पठानकोट में तो बड़ी गर्मी थी, जम्मू पठानकोट बुरा हाल था।
लोगों में से कोई आ रहा हो इस साइड पठानकोट वाली साइड से, तो 32 मील से लेफ्ट वाला रोड ले लें फुल क्रॉस करने के बाद, लंच वाला रोड जो रानीताल निकलता है, बहुत बेस्ट रोड है भाई साहब। ये जो कांगड़ा वाला रोड है ये ख़राब है रोड, इसमें खड्डे हैं, मोड़ है, ट्रैफिक है, और यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है। और ये देखिए सामने ये आ गया लेफ्ट वाला जो रोड है, ये कांगड़ा से होके आ रहा है, और राइट को जो जा रहा है ये शिमला वाला रोड है। तो हमीरपुर यहाँ से 55 किलोमीटर रह गया है। ये देखिए बसेज जा रही हैं चंडीगढ़ धर्मशाला। अब आप देखिए ट्रैफिक कितना है इस रोड पे। इसलिए मैं कांगड़ा होके नहीं आता, एक तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और दूसरा रोड भी ख़राब है। अब पेट्रोल डलवा लेते हैं, रानीताल में पेट्रोल आखिरी डंडा रह गया है, तो मैंने बनिहाल में फुल करवाया था फ्यूल टैंक, और 400 किलोमीटर होने वाले हैं, 397 किलोमीटर हो गए हैं। बाबा जी देख लो, फुल कर दें, 103.29, 108.54, चलो चलें। ये पहुंच गए अब हम ज्वालामुखी, यहाँ पर है फेमस ज्वाला माता टेम्पल, शक्तिपीठ है। देखिए लोग बाहर से कितने आए हैं माता के भक्त के दर्शनों के लिए बाहर से। तो यहाँ से हमीरपुर है 41 किलोमीटर। ये जो लेफ्ट साइड में सामने आप देख रहे हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये है माता का एंट्री गेट मेन, ये वाला, ये देखिए शक्तिपीठ है, और ये है ज्वाला जी का टेम्पल, और मेरे राइट में है ये बस स्टैंड ज्वाला जी का। हमीरपुर में अभी चेकिंग चली हुई थी पुलिस वालों की, तो चलान हो रहे थे, रोका हुआ था बाइकर्स को, गाड़ियों वालों को, सबको। हिमाचल में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है और होनी भी चाहिए। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली हमीरपुर, अपने शहर पहुंच गया हूं, और टाइम एग्जैक्ट 4:28 हुए हैं, तो समझिए पूरे 10:15 में मैं श्रीनगर से हमीरपुर पहुंच गया। अभी देखिए हमीरपुर 2.5 किलोमीटर है, तो इसमें 452 किलोमीटर हुए हैं, 2.5 किलोमीटर और हैं, तो 454 किलोमीटर की आज की हमारी जर्नी रही। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये नीचे जो बेल आइकन आ रहा है इसे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।